बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। चार चांद लगाया। इसी मौके से मैं चाहूँगा कि जिनके दस्त मुबारक से इस किताब का अजरा अमल में आया, मैं चाहूँगा कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ। मेरी मुराद है मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब से कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और साहिब किताब और किताब के ताल्लुक से अपने एहसासात का यहाँ पर इजहार करें। अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब। आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर शहीद अहमद फैजी साहब, हफीज सर साहिब एजाज़ शफीक मोहसिन साहब, मुस्तफ़ा सर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अशफाक अंजुम मुअज्जिज़, दीगर मुअज्जिज़ मेहमानान और सामेईन कराम, मुझको बड़ी और खुशी और मुसर्रत हो रही है ये ऐलान करते हुए कि मैंने आज शफीक मोहसिन साहब की किताब बदलते वक्त का मंजर इस किताब का अजरा किया। शफीक मोहसिन साहब के ताल्लुक से जब मैंने पूरी मालूमात ली तो बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद से उन्होंने आज तक का ये मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम हासिल करने में डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने सिटीजन कैंपस में 3 क्लासेस चलाई एक एक महीने की। उस क्लास में शहर के दानिश्वर हजरात, डॉक्टर हजरात, उलमाए कराम बहुत सारे लोग शरीक होते थे, मैं भी उसमें शरीक होता था। हमारे शफीक मोहसिन साहब भी वहाँ बाकायदा शरीक होते थे और वहाँ से ही उनको इंस्पिरेशन मिलने के बाद वो आज ये मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये ओरिजिनल सिटीजन कैंपस का प्रोडक्ट है। ये हमारा प्रोडक्ट है। इनके 2 बच्चे हमारे वहाँ ज़ेर तालीम थे, एक बच्चा जो है दुबई में सर्विस पे है, एक बच्चा जो है वो सिविल, हाँ दुबई में, आज भी दुबई में वो, और एक बच्चा जो है आज हाँ दूसरा भी है। चलो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमारा अपना प्रोडक्ट है और मुझको बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूँ और अक्सर प्रोग्रामों में इस बात का इजहार भी करते रहता हूँ कि सामईन का जो दिलचस्पी है, सामईन का जो वो एक जोश है, वो धीरे धीरे मालेगांव शहर में उर्दू के ताल्लुक से ख़त्म होते चला जा रहा है। साहिब किताब है, आज किताब का अजरा हो गया है। मैं कुछ कहा, कुछ हमारे और मौजूद मेहमान अपनी बातों का इजहार करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है उनकी किताब शहर में कितने हाथों हाथ जाती है ये अपने नहीं कह सकते। वो बेचारे बहुत सारे लोग तो किताब लेके परेशान रहते हैं, यार लिख दिए, कोई किताब को पधिराई कर नहीं रहे। नहीं, उसकी पधिराई होना चाहिए। हमको उर्दू का मुकाम अगर मालेगांव शहर में कायम रखना है, हमको उर्दू के ताल्लुक से अगर मालेगांव शहर में आगे लेके जाना है, तो हमको इस किताब के ताल्लुक से, क्या हर किताब के ताल्लुक से, हमको उनकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। और ये हौसला अफजाई होगी तो उसके बाद ही, चाहे जितना आप यहाँ पर जो है बड़े बड़े किताबी मेले का इनेकाद कर लें, लेकिन उसका हल कुछ नहीं है। उसका हल ये नहीं है। आपको बहरहाल ये बात ध्यान रखना चाहिए के अपने को ये इसमें दिलचस्पी लेना पड़ेगी, नहीं तो आज देखिए ना, आज अपने हालात क्या हैं कि आज भी इनकलाब, आज 20-25 साल से मैं सुन रहा हूँ कि वो इतने ही तादाद में मालेगांव शहर में आता है। आज भी बहुत सारे ताल्लुक से जब हम ये बोलते हैं कि यार ये न्यूज़ आपने फोकस नहीं की इनकलाब वालों को, बोले यार आप मालेगांव शहर के ताल्लुक से हम बोलते हैं, दूसरे शहर का आप बोले, यार वहाँ हमारा ज़्यादा पेपर सेल होता है, आपके शहर में कितना सेल होता है, हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। तो हमको इन तमाम बातों के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत में जो है आप तमाम लोग का ताउन अगर रहा
इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल जो है मालेगांव शहर जिसके लिए जाना जाता है उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़। उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू शहर के लिए अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर रहे थे मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब। इसी असना में IAS प्लाजा के रोए रवां मोहतरम इरफान भाई सिद्दीकी जो है वह हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और आपने एक शाल और 1100 रुपया एजाजी कीमत देकर शफीक मोहसिन साहब की किताब को हासिल करने का ऐलान किया है। मैं शफीक मोहसिन साहब से इल्तमास करता हूँ कि आप स्टेज पर सामने की तरफ तशरीफ़ ले आएँ, और इरफान भाई सिद्दीकी से मैं इल्तमास करता हूँ कि आप शाल से शफीक मोहसिन साहब का इस्तकबाल करें, और ये लिफाफा भी आप ही पेश कर दें। चेक का लिफाफा है, 1100 रुपया नकद देकर आपने इनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। यकीनन ऐसी कोशिशों से ही साहिबान किताब को मज़ीद ताकत और मज़ीद तकवियत मिलती है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दिगर काफ़ी हजरात ने शफीक मोहसिन साहिब किताब को फूल हार पेश करने का उंदिया जाहिर किया है, लेकिन मैं उसे बात के लिए मौखर करता हूँ। यहाँ पर शफीक मोहसिन साहब ने इजहार किया है कि मेरे जो असातिज़ाए किराम हैं, आज मैं जिस मकाम पर पहुँचा हूँ यकीनन वो असातिज़ा की मेहनत रही है, असातिज़ा की करम फरमाइयाँ रही है जो आज इस मकाम पर शफीक मोहसिन पहुँचे हैं, और इसी का वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो वक्त आए मैं अपने असातिज़ा का खुले दिल से एतराफ़ करूं और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के सामने उनकी खिदमात का एतराफ़ करूं। मैं शफीक मोहसिन साहब से इल्तिमास करता हूं कि अपने असातिज़ा कराम को स्टेज पर मदु करें, मोहतरम डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब और मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, ये दोनों साहबान का आप शाल फूलहार से इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि आप शाल और फूलहार कबूल करके अपने शागिर्द के हौसलों को मज़ीद जला बख्शें। यकीनन डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब यही मौजूद थे, गालबन चलिए ठीक है, वो जब हॉल में आते हैं तब हम उनका इस्तकबाल करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो अपने असातिज़ा की एतराफ़ खिदमात है, मोहतरम डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ शफीक मोहसिन साहब से कि उनकी खिदमत में शाल और फूल हार का तोहफा पेश करके उनका इस्तकबाल करें। ये एक शागिर्द का अदना सा तोहफा है जो असातिज़ा की खिदमत में पेश किया जाना है, और यकीनन ये अहसन तरीका है जब हम अपने असातिज़ा का बीच में वहाँ इस्तकबाल करते हैं। यकीनन ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर किताब पर अपना मकाला पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब मौजूद हैं, मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और किताब पर, साहिब किताब पर जो भी आपने तहरीर किया है वो यहाँ सामईन के सामने पेश करें। डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।